चक्कर हो रहा मौसम आए हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू हांस इन ओमान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत सी वाह, आज हो गई है जी मस्कत में बारिश फाइनली, काफी टाइम बाद। सलाला में तो हो रही थी बारिशें, सलाला में तो एक्चुअली तूफान सा आ गया हुआ। मौसम चेक करो जरा मौसम आए हाय 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 हाय। अरे वाह अरे वाह, क्या ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडा ठंडा। और मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ घर की तरफ, और मैं कहा चलो जरा बारिश के मज़े तो लें हैं। और ये आ गई है हमारी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग, इसके साथ हमारी बिल्डिंग है। ओ आ गई साड़ी बिल्डिंग, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर पे पहले वाला जो फ्लैट है ना, पहले वाला फ्लैट, ये हमारे फ्लैट की एक्चुअली बैक साइड है। आगे फिर देखते हैं बेगम ने आज के मौसम में, सर्द मौसम में क्या बनाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो फिर फरमाइश कराएंगे कोई कि बेगम बनाओ कोई सेक्सी सी चीज़, कोई मजे वाली। अच्छा हमको सिखा रिया है। और पेश किया गया है हमें अनार का जूस, ड्रैकुला को खून पेश किया गया है। खून पेश किया बेगम साहिबा ने कहा मौसम भी ठंडा और ठंडा ठंडा जूस पियो। बैठे हैं जी अपने खिड़की के पास टेबल पे, ताकि जरा बाहर के भी नज़ारे ले सकें और जूस पी सकें। सुहाने सुहाने मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनने लगे हैं जी आलू प्याज और हरे धनिया और हरे मिर्च के पकौड़े। पालक मेरे पास नहीं थी तो मैंने हरा धनिया उसकी जगह ऐड किया है। पकौड़ों की ये रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने रमज़ान में ये शेयर की थी। अगर आप रेसिपी देखना चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ बन रही है जी गर्मा गर्म चाय, आय हाय हाय। ये जी चलें पकौड़े गए हैं बन जे हैं, पकौड़ों का पहला शिफ्ट और अभी जाएगी दूसरी शिफ्ट इंशाल्लाह। और अब ये जा रहे हैं जी प्लेट में यहाँ पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। चलो ये बड़ा बड़ा बनाओ पकोड़े, ठीक है। और बेगम से एक चीज का ये बड़ा फायदा है, मौसम की मुनासिबत से बेगम खुद ही ना माइंड बना के बैठी होती है कि आज कोई ना कोई जबरदस्त सी चीज मियां साहब को बना के खिलाएंगे। और फिर अगर मैं कह दूं तो फिर वो तो फिर कह लो सोने पे सुहागा हो जाता है। बोटी मेरी कर कहती अच्छा मियां साहब ने क्या दिया, अब यही बनेगा। हां तो बीवियों का फर्ज होता है भाई। यस ऐसी है बीवी, अल्लाह पाक सबको दे, ठीक है। और अब साथ पिएंगे गर्मा गर्म चाय, आय हाय हाय हाय। मैंने भी सेम यही बोला जब आप अंदर बैठे हुए थे चाय बनाते हुए। बड़ी बात है यार, ऐसे देख एक स्टार होने का ये बड़ा फायदा होता है। आपकी कॉपी कर रही थी मैं, माइंड बड़ा रहता है। हां जी दोनों का स्टार एक जैसा है, शरारतें भी दोनों को एक जैसी सोचती हैं, बातें भी कभी मैं बोल देता हूँ और कभी बेगम बोल देती है वही चीज जो मैं सोच रहा होता हूँ, कभी जो बेगम सोच रही थी वो मेरे मुंह से निकल जाता है। और बड़ा मजा आता है ऐसे। और ये आगे हैं हमारे गर्मा गर्म पकौड़े एंड चाय, और हम करेंगे अब ये पकौड़े इंजॉय। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुमार हो गया बेगम, कुमार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, जबरदस्त। हम लोग आए थे जी मैक्स थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, मेरे जो मियाँ साहब हैं उनके अब्बा हजूर के लिए हम लोगों ने सैंडल लेनी थी, तो मेरे मियाँ साहब ने कहा कि हम डायरेक्ट मैक्स ही चलेंगे। और ये वाली सैंडल जो है हमें पसंद आई थी क्योंकि उन्हें सैंडल चाहिए थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट। और फिर सैंडल लेने के बाद मैं यहाँ पर देख रही थी शूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और प्राइस में भी ठीक ही थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, बट मैक्स के शूज़ की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बिलिंग करवाने के लिए जी हम लोग वेट कर रहे हैं क्यू में, और यहाँ से फ्री होने के बाद एक दो चीज़ें हमें और लेनी है इंशाल्लाह। यहाँ पर जी हम इंशाल्लाह मैक्स को बाय बाय करने के बाद जा रहे हैं सुल्तान सेंटर, और हमें भूख लगी है तो कुछ खाना भी है। आए हैं जी ऑलिव ऑयल की बॉटल लेने के लिए शहबाज के फादर के लिए, हमारे पापा के लिए, हमारे पापा के लिए। हाँ जी आपके पापा के लिए और मेरे ससुर के लिए।
ये वाला जी ऑलिव ऑयल हम लेंगे इंशाल्लाह, और शॉर्मे का ऑर्डर हम दे के आए हैं क्योंकि हम दोनों को बहुत भूख लगी है। पीना? नहीं है, मुझसे नहीं पिया जाता। हाँ लेकिन मैं इसको वो हुमस के ऊपर डाल के और चाट के ऊपर डाल के बहुत शौक से खाती हूँ, बट पी नहीं सकती मैं इसको। चाट के ऊपर तो टेस्ट ही और हो जाता है इसका, और हुमस के ऊपर भी बड़े बहुत टेस्टी लगता है, बट लेकिन खाया नहीं ना जाता। हाँ ये उसमें मजे का लगता है क्योंकि वो फ्रूट्स भी होते हैं ना। शॉर्मे ऑलमोस्ट यहाँ पर जी हमारे रेडी हो चुके हैं, बस वो अब थोड़ा सा उसको ग्रिल करेंगे और फिर हमारे खाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी टेस्टी टेस्टी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी जिसके अंदर फ्लाफिल भी है, बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होता है। यहाँ से स्टीम फिश भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती है जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह वो भी ट्राई करेंगे कभी। बॉटल से जी हमारा बायकॉट है, हम पकड़ेंगे लाइम जूस अलमराइका क्योंकि ये है जी सऊदी प्रोडक्ट, और बस फटाफट से इंशाल्लाह जूस पकड़ते हैं, चीज़ें पैक करते हैं और दे के आते हैं। ये ऊपर पड़ा है ना, लेकिन अलमराई का नहीं है ये, खैर है छोटे हैं बड़े जो भी हैं ले लें, दो बस काफ़ी हैं। चलें ये भी हमें अलमराई का नहीं अलसफ़ा का मिला है, सो यही ठीक है, चलें जल्दी। बस जी अब हम खाएंगे शॉर्मे, चीज़ें पैक करेंगे और फिर दे के आते हैं इंशाल्लाह। आप गल्फ साइड कंट्रीज़ में रहते हैं और आप पाकिस्तानी केक रस को मिस कर रहे हैं, तो एक दफ़ा ये वाला जो केक रस है ना ये प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। ये प्रॉन है कि पता नहीं प्रॉन है, ब्रांड का नेम है बंगाली आई थिंक है ब्रांड, और इसके जो केक रस है ना ये लिटरली आपको पाकिस्तान वाली फील देंगे। सो मेरी तरह जो जो मिस करते हैं पाकिस्तानी केक रस को वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई। इस तरह जी पैकेट्स में होते हैं और एक डब्बे के अंदर आपको तीन पैकेट मिलेंगे और एक पैकेट के अंदर जो है वो पांच केक रस। ये है जी केक रस की लुक, हंसता हंसता बहुत लजीज। काफ़ी दिन से मेरा मूली के पराठे खाने का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने बना लिए जी फिर जल्दी से मूली के पराठे और साथ फिर मैंने बनाई ये गर्मा गर्म चाय। ये था जी हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।